हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 4 कॉस्ट रिवेन्यू एंड प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखो, मैं आपको सिंपल चीज में समझाता हूँ। कॉमन वर्ड्स में बात करें ना, तो जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी नई चीज को बनाना उसको प्रोडक्शन कहते हैं। बट इकोनॉमिक्स के अंदर ना इसका मतलब क्या होता है पता है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व हो, यानी कि कोई भी तरह का एक्सचेंज करते हो आप एक दूसरे के बीच में, और जहां पे अल्टीमेटली कोई भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ाई जाती हो। यूटिलिटी यानी होता है कोई भी प्रोडक्ट का यूज जो आपके लिए बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसको ही हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं इकोनॉमिक्स के वर्ड्स में। देखो, आप सिंपल चीज आपको मैं समझाता हूं एग्जांपल से। व्हेन अ पॉटर, पॉटर यानी होता है कुम्हार। अगर मान लो कोई कुम्हार है, वो अलग अलग तरह के आर्टिकल्स बनाता है, यानी कि मटका बनाता है या कोई तरह का बर्तन बनाता है, ठीक है, किससे बनाता है वो, क्ले यानी कि हो गया चिकनी मिट्टी से, वो जो भी बनाता है वो पॉटर। तो यहाँ पे वो क्या क्रिएट कर रहा है, कोई नई चीज क्रिएट कर रहा है, कुछ नया चीज, तो वो प्रोडक्शन कहेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी कहेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ इतना इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे एक और चीज इन्वॉल्व है कि इस प्रोसेस के अंदर उसने यूटिलिटी क्रिएट की। क्या यूटिलिटी क्रिएट की, उसने रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या था, क्ले था, चिकनी मिट्टी थी, उसको उसने कन्वर्ट किया फाइनल कंज्यूमर गुड्स में, यानी कि ऐसे गुड्स में जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, प्रोडक्ट कहो या गुड्स कहो एक ही बात है। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन जो होता है वो कोई रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स के अंदर, और यूटिलिटी भी वहां पे क्रिएट होती है। यूटिलिटी यानी कि उसकी यूज वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है। आगे बात करें तो जो चेंज इन प्लेस इज ऑल्सो इंक्रीज द यूटिलिटी, यानी कि अगर मान लो जगह बदलती है ना, तो भी आपकी यूटिलिटी बदलती है। कैसे समझाता हूं, मान लो कि जो मट्टी होती है ना रिवर की, यानी कि जो नदी में मट्टी होती है, क्या वहां पे मट्टी का कोई काम है, नहीं, वहां पे इतना यूज नहीं होता। बट अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन में, यस, कंस्ट्रक्शन में मट्टी का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो उसको क्या किया जाता है, जो नदी है वहां से लेकर के कंस्ट्रक्शन वाली जगह तक लाया जाता है, और जिस वजह से वहां पे यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि यूटिलिटी ना तीन तरह से हो सकती है। एक तो है फॉर्म बदलना, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, वो जो कुम्हार था ना, पॉटर था, उसने वो फॉर्म बदल दिया, उसने शेप बदल दिया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, लोकेशन, यानी कि लोकेशन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ये सैंड वाला, कि जो मट्टी है उसको हम लोग नदी से लेकर के कंस्ट्रक्शन वर्क तक लेके आ रहे, और हो गया टाइम। तो इस तरह से तीन तरह से कोई भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्रिएट हो सकती है, और जहां पे भी यूटिलिटी है उस जगह को, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, उसको प्रोडक्शन कहेंगे। आगे बात करते हैं इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे एग्जाम में आता है तो आप लोग जे आर हिक्स की डेफिनेशन लिखना बहुत ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्रोडक्शन इज एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अदर पीपल वॉन्ट थ्रू एक्सचेंज। सिंपल चीज कि ये एक ऐसी एक्टिविटी मानी जाती है जहां पे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है। कोई भी ऐसे गुड्स को कंज्यूम करने से लोगों को क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि देखो, आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आपको ऐसे तो मिलेगी नहीं, उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, वॉट एवर, आप बार्टर कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, और उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड फिजिकल गुड्स तक नहीं है, इसमें सर्विसेज भी आ जाती है। यस दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी डॉक्टर ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, या तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी काम करता है, तो ये सब लोग है ना क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं भी अभी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये सारी चीजें भी किसमें इन्वॉल्व होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट मानी जाती है, यानी कि गुड्स और सर्विस दोनों चीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे क्या दी हुई है, प्रोडक्शन मींस नॉट ओनली इंक्रीज इन यूटिलिटी। हाँ, ये चीज भी याद रखना कि खाली इसका मतलब ये नहीं होता कि यूटिलिटी बढ़ना, यूज बढ़ना, इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। इफ द आउटपुट इज नॉट स्केर्स, ध्यान से सुनना सभी लोग, इट डज नॉट हैव एनी एक्सचेंज वैल्यू। अब देखो, यहाँ पे आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। अगर कहीं पे भी प्रोडक्शन स्केयर्स नहीं है ना, स्केयर्स मतलब होता है जिसकी कमी होना। पता है आपको, कोई भी तरह का प्रोडक्शन हो उसकी हमेशा कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। कोई भी चीज़ क्या अनलिमिटेड अवेलेबल है,
नहीं, कहीं पे भी कोई चीज अनलिमिटेड नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो हर चीज की स्केयरसिटी होती है। अगर मान लो कोई चीज की स्केयरसिटी नहीं है, अब आपको पता है ऐसे भी गुड्स है, ऐसे भी कुछ चीजें है जिसका हम लोग कहेंगे कि अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी है। बताओ कौन सा? सनलाइट, एयर, ये सारी कौन सी चीज है? वाटर, ये सारी कैसी चीज है जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत सारी है, बहुत सारी मतलब कि जिसकी खत्म ही नहीं हो सकती अवेलेबिलिटी। तो हम लोग ये कहेंगे कि उनकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती। जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा, उनकी एक्सचेंज वैल्यू कुछ भी नहीं होती। हाँ, एक्सचेंज वैल्यू उसी चीज, एक्सचेंज वैल्यू यानी कि जिसको आप पैसा दो और सामने गुड्स खरीदो। क्या आप ऑक्सीजन लेने के लिए, एयर लेने के लिए क्या पैसा देते हो? सनलाइट के लिए क्या आप पैसा देते हो? नहीं। क्यों नहीं देते? बिकॉज उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई उनकी कोई तरह की एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन इफ द गुड्स विच पजेसेस वैल्यू इन यूज मस्ट पजेस वैल्यू इन एक्सचेंज, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन। यस, दो चीज याद रखना, इसको हम लोग कहेंगे यूज वैल्यू। अब जो चीज की यूज वैल्यू है उस चीज की एक्सचेंज वैल्यू भी होती है, ठीक है। और प्रोडक्शन तभी माना जाएगा जब कोई भी चीज की यूज वैल्यू भी हो और एक्सचेंज वैल्यू भी हो, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कहेंगे। यूज वैल्यू मतलब कि उसको यूज करना, एक्सचेंज वैल्यू मतलब कि पैसा देके कोई चीज लेना। तो ये दोनों चीज का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। और द वेल्थ विच पजेसेस इट्स वैल्यू इन एक्सचेंज इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो भी वेल्थ है, आपके पास जो भी हम कहेंगे कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी है, उसकी पता है एक्सचेंज वैल्यू होगी ना, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन कहेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास घर है, आपका घर या आपके पास कोई दुकान है या कोई कॉमर्शियल स्पेस है या लैंड है, जमीन है, उसका अगर मान लो एक्सचेंज वैल्यू है, मतलब कि उसको बेचने पे आपको पैसा मिल सकता है, तो उसको प्रोडक्शन कहा जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्शन इज वेल्थ क्रिएशन। इन शॉर्ट, प्रोडक्शन क्या है? जायदाद बनाना। प्रोडक्शन क्या है? वेल्थ क्रिएशन है, जायदाद बनाने का काम है। व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट इज चेंज, इट एड्स यूटिलिटी एंड बिकम्स वैल्यूएबल इन यूज। सही बात है, जब भी कोई चीज का फॉर्म बदलता है ना, शेप बदलता है, कलर बदलता है, उसका स्टाइल बदलता है, तब उसमें एड होती है यूटिलिटी, और जिसके बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज लास्ट लाइन में बताइए, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा सरप्लस है तो उसको हम लोग वेल्थ ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं बोलेंगे। मतलब जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत सारी है ना, तो वो वेल्थ नहीं होगी। जैसे मान लो एयर है, सनलाइट है, जिसका हमेशा प्रोडक्शन कैसा है? सरप्लस है, मतलब कभी कम होता ही नहीं है। तो उसको क्या हम लोग बेच सकते हैं? क्या वो आपकी वेल्थ मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा सरप्लस है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रोडक्शन मतलब ये नहीं होता कि यूटिलिटी बढ़ाना, क्योंकि सनलाइट, एयर, इन सब की यूटिलिटी तो कितनी सारी है, इसको तो रात दिन लोग यूज करते हैं, बट इसकी अवेलेबिलिटी बहुत सारी है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। प्रोडक्शन वही चीज का होता है, प्रोडक्शन उसको ही कहेंगे जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, यानी जो स्केयर्स है नेचर में, यानी कि जिसकी अवेलेबिलिटी स्केयरसिटी है, तंगी है, उसको ही हम लोग प्रोडक्शन कहेंगे। बोलो, पहला पॉइंट सबको क्लियर? दूसरा पॉइंट दिया है, प्रोडक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल गुड्स ओनली। हाँ, अभी मैंने समझाया आपको कि इसमें से फिजिकल गुड्स नहीं आते, इसके अंदर सर्विसेज भी आती है। जैसे मान लो सर्विस ऑफ टीचर, नर्स, इंजीनियर और अदर नॉन फिजिकल सर्विसेज, उन सभी चीज की यूज वैल्यू होती है और एक्सचेंज वैल्यू भी होती है। जैसे मान लो टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है। जैसे आप लोग मेरा वीडियो देखोगे तो मेरे को यूट्यूब से इनकम मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलती, बहुत थोड़ी मिलती है, पर जो भी मिलती है मेरे को कुछ मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कहेंगे। चाहे वो नर्स हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन का पार्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल दिया है, द सर्विस ऑफ नर्स, सर्विस जो है नर्स की, वो क्या पजेस करती है? वैल्यू पजेस करती है, ठीक है, लोग उसको पैसा देते हैं, सर्विस लेते हैं। अब याद रखना, प्रोडक्शन जो है हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक पजेस करता है, वो है स्केयर्स। स्केयर्स यानी होना, कमी होना, ठीक है, इस वजह से उसको हम लोग प्रोडक्शन कहेंगे। अगर उसकी अवेलेबिलिटी बहुत है तो वो प्रोडक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो है देयर मस्ट बी इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट फॉर प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन हमेशा इन्वॉल्व किसके साथ होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करता है।
मान लो जब कोई भी तरह के गुड्स का फॉर्मेट बदलता है तो उसमें यूटिलिटी ऐड होती है, ठीक है। अब यूटिलिटी ऐड होना मतलब उसकी यूज बढ़ना, उसकी यूजेज बढ़ना, तो इट बिकम्स मोर यूजफुल फॉर द फाइनल और अल्टीमेट कस्टमर्स। अब जब भी कोई भी गुड्स का फॉर्मेट बदलता है, उसका साइज शेप बदलता है ना, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आयन है, आयन जो होगा उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, बट आयन से बनी हुई मशीन उसका हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयन का शेप बदल रहा है, शेप बदलने से हमारा यूजेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे वही बात की गई है, ठीक है। दूसरा बात करें, यहाँ पे इकोनॉमी की एक्टिविटी देखनी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखनी नहीं है, प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल दो, कोई भी टीचर है वो अपने खुद के बच्चे को पढ़ाए, जैसे मान लो मैं हूं, मैं अपने भाई को पढ़ाऊ ना, तो वो प्रोडक्शन नहीं होता। बट मैं अगर कोई टीचर है वो अगर प्राइवेट ट्यूशन दे, अगर मैं किसी को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं सर्विस के सामने पैसे लूंगा, तो दैट्स व्हाई वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई और उसको हम लोग प्रोडक्शन में काउंट करेंगे। तो बोलो क्लियर, प्रोडक्शन किसका काउंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन लीड्स टू राइज इन वेलफेयर। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वेलफेयर क्या होता है, तो वेलफेयर मतलब मैं शॉर्ट में समझाऊं ना, तो इसको हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट, पता है, प्रोडक्शन की वजह से डेवलपमेंट होता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इट इज आर्ग्यूड दैट, ऐसा आर्ग्यू किया जाता है कि कोई भी लीगल ऑफिशियल एक्टिविटी होती है ना, और जो प्रोडक्शन करती है, मतलब कि जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, वो अल्टीमेटली लोगों का वेलफेयर बढ़ाती है, लोगों का डेवलपमेंट। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी चीज मार्केट से परचेस करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लो आपने मोबाइल परचेस किया, लैपटॉप परचेस किया, जिसकी वजह से आपके लाइफ में डेवलपमेंट होता जाता है, और उसी चीज को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। अगर मान लो कोई भी एक्टिविटी जो पिक पॉकेट्स मतलब जो होता है ना, जेब कतरा हम लोग कहते हैं, जो जेब चोरी कर लेता है, जो मतलब जेब काट के लोगों की बस में या कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो वो जो काम कर रहा है ना लोगों की जेब काटने का, या जो चोरी है, वो सारी इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है, तो वो कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं। प्रोडक्शन हमेशा उसी चीज का होता है जो लीगल एक्टिविटी है, ये प्रोडक्शन नहीं हुआ बिकॉज ये एक्टिविटी कैसी है, इलीगल है। They get goods and their counterparts lose, but it is not an economic activity. मतलब उनको goods तो मिल जाता है, but सामने क्या उन्होंने कोई पैसा pay किया, क्या उन्होंने कोई exchange किया, नहीं। That's why इसको हम लोग production नहीं कहेंगे, और that's why the activity of a thief can't be considered as production activity. यानी कोई भी चोर जो काम करता है वो production नहीं हुआ। अब आगे बात करते हैं, next output in expansion of activity. देखो, आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक तरह से हम कहेंगे एक्सपांशन ऑफ एक्टिविटीज है, यानी कि एक्टिविटीज को बढ़ाना। चलो आपको डिटेल में समझाता हूं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से यूटिलिटी बढ़े, अब देखो ये यूटिलिटी वर्ड ना बहुत बार आ गया, यूटिलिटी मतलब होता है यूज करना, ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा लो, यूज वैल्यू जिसको कहेंगे। तो जब भी कोई एक्टिविटी की वजह से हम लोग का यूज बढ़ता है, कोई भी कॉमोडिटी और सर्विस का, और एक और चीज, उसकी स्केयरसिटी होनी बहुत जरूरी है, मतलब कि उसकी कमी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ साथ में उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी होनी चाहिए और उसकी यूज वैल्यू भी होनी चाहिए। मतलब कि हम लोग तभी कहेंगे प्रोडक्शन जब तीन चीजें हो, एक तो उसकी यूटिलिटी हो, दूसरा उसकी स्केयरसिटी हो, और तीसरा उसकी एक्सचेंज वैल्यू। हाँ, एक्सचेंज वैल्यू के साथ साथ यूज वैल्यू भी होना जरूरी है, और उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब यूटिलिटी जनरली तीन तरह से पॉसिबल है, एक तो होता है चेंज इन फॉर्म, दूसरा होता है चेंज इन प्लेस, और तीसरा होता है चेंज इन टाइम। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहला चेंज इन फॉर्म की बात करें, तो चेंज इन फॉर्म मतलब क्या, जब भी कोई भी प्रोडक्ट का साइज शेप कलर बदलता है, और उसके बदलने से प्रोडक्ट बदलता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल आपको आयरन का दिया था, लोखंड का दिया था, कि लोखंड जो होता है वो हमारे लिए इतना कोई काम का नहीं है, बट उससे बनी हुई चीजें हमारे लिए बहुत काम की है, तो वो लोखंड क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसका शेप बदल रहा है, ठीक है, और उसको हम लोग प्रोडक्शन कहेंगे। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, मान लो कि कोई स्टील शेप है, ठीक है, वो चेंज होके एक मशीनरी बन जाता है, तो वो प्रोडक्शन है। कोई कॉटन जो बदल जाता है, उसका कॉटन दिखता है, उसको बदल जाता है, और वो एक टेक्सटाइल या तो गारमेंट यानी कपड़ों में बन जाता है, तो ये कौन सी यूटिलिटी ऐड कर रहा है, इन द फॉर्म, फॉर्म की यूटिलिटी बदल रहा है, ठीक है। तो दिस चेंज इन द फॉर्म ऑफ इन एनी वे इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसका फॉर्म बदल जाए, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है नंबर बी, चेंज इन
प्लेस, प्लेस मतलब जगह बदलना, जो बहुत जरूरी होता है यूटिलिटी बढ़ाने में. When goods are transferred from one place to other place, it adds utility. सीधी सी बात है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई गुड्स जाता है तो वो यूटिलिटी बदलता है. जिसमें हम एग्जाम्पल देते हैं, सैंड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस. मान लो जो मट्टी है जो रिवर के किनारे है, यानी नदी किनारे मट्टी है, वहां पे उसकी कोई इतनी ज्यादा यूज वैल्यू नहीं है. बट जब हम लोग उसको उठा के ले जाएंगे कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे, तो उसको यूज बहुत ज्यादा लोग करेंगे. तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इसलिए इसको प्लेस बोला जाता है. एक जगह से दूसरी जगह पे लाया जा रहा है तभी जाके उसका यूज हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं. यहाँ पे एक और चीज दी है, जैसे कोई आर्टिस्टिक प्रोडक्ट है जिसको पूरी कंट्री में मार्केट किया जा रहा है, और आउटसाइड द कंट्री, कंट्री में, पूरी कंट्री में भी बेचा जा रहा है, कंट्री के बाहर भी बेचा जा रहा है. जैसे एक और बहुत बढ़िया चीज दी है कि जो लकड़े होते हैं ना, वुड्स इन द जंगल, जंगल में जो लकड़े होते हैं ना, उसकी यूज वैल्यू जंगल में कम, टाउन में ज्यादा, सिटी में ज्यादा होती है. सीधी सी बात है, आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो जंगल में, जैसे वुड है तो वुड का जंगल में इतना यूज नहीं है, जबकि सिटी में उसका यूज ज्यादा है. लोग घर पे फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, जंगल में तो कोई फर्नीचर बनाएगा नहीं. तो प्रोडक्शन यहाँ पे किस बेसिस पे देखा जा रहा है, चेंज इन प्लेस, जगह बदलने से प्रोडक्शन हो रहा है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चेंज इन टाइम्स. टाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पता है जब भी कोई प्रोडक्ट, उसकी यूजफुलनेस अलग अलग टाइम, और अगर प्रॉपर टाइम होगा तो इसकी यूजफुलनेस ज्यादा होगी, ठीक है, देन इट बिकम मोर यूजफुल प्रॉपर टाइम पे. अगर आपने प्रोडक्ट को प्रॉपर टाइम पे नहीं बेचा तो उसकी यूजफुलनेस क्या होगी, कम हो जाएगी. चलो आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आइसक्रीम जो समर के अंदर ज्यादा, मतलब वॉज ओनली इन समर, मतलब उसकी डिमांड समर में बहुत ज्यादा होती है. सॉफ्ट ड्रिंक भी सबसे ज्यादा समर में यूज किया जाता है. हाँ, आज की डेट में लोग ठंडियों में भी खाते हैं पीते हैं, बट कहने का मतलब सबसे ज्यादा कब होता है, प्रॉपर टाइम उसका कौन सा है, समर, यानी कि गर्मियों की सीजन में. एक और एग्जाम्पल देते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेनकोट, रेनकोट सबसे ज्यादा कहाँ पे, कौन से सीजन में यूज होता है, मॉनसून में. विंटर में उस रेनकोट को कोई नहीं पहनता, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे, द सेटिस्फेक्शन इज लो और जीरो ड्यूरिंग ऑफ सीजन एंड इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द पीक सीजन, यानी कि लोगों को सेटिस्फेक्शन ऑफ सीजन में नहीं मिलेगा. बट लोगों का सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा कब बढ़ता है, जब उसका पीक सीजन हो, यानी सबसे ज्यादा वो गुड्स बेचा जाता हो. अब आखिरी चीज इस लेक्चर की हम लोग देख ले, तो वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये चीज आप लोग ने ऑलरेडी 11th में पढ़ी है, लिख लेना ये आंसर में, बहुत ईजी चीज है, ठीक है. जनरली कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो चार फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसकी थ्रू हम लोग गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर पाते हैं. वो कौन से है, एक तो हो गया लैंड, फिर हो गया लेबर, फिर हो गया कैपिटल, और हो गया एंटरप्रेन्योर. तो इस तरह से टोटल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच.